लाइक यू एवरीवन, आप लोग को इसका तो आइडिया होता ही होगा, प्रोबेबिलिटी। इसका नॉर्मल मीनिंग होता है चांस। तो अब जैसे ये एग्जैक्ट इसका मीनिंग नहीं है चांस, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी इज मेजरमेंट ऑफ चांस बेसिकली। मतलब चांसेस आर लाइक कि हो सकता है कि नहीं, और मेजरमेंट ऑफ चांसेस मतलब हो गया कि उसका मेजर करना कि क्या चांसेस हैं, चांसेस के लिए स्कोर, स्कोर फॉर चांसेस। तो जैसे इसको अगर हम बहुत ही ब्रीफ में समझें, तो अगर मैं एक क्वाइन टॉस करूंगा तो क्या हो सकता है, मतलब कॉइन टॉस करोगे तो दो डिफरेंट रिजल्ट पॉसिबल है, या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ क्या आएगा, है ना, तो तुम बोलोगी दोनों के चांसेस हैं। तो पहली तो चीज हो गई कि अगर कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसके कितने पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। जैसे इस केस में ये दो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, यानी कि दोनों के चांसेस हैं। तो इसको जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैंपल, ये सॉरी मतलब क्या बोले उसको, यूनिवर्सल स्पेस हो गया इसे, ऐसे एस इसको हम बोलते हैं, है ना, कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, पॉसिबल इवेंट्स, इवेंट्स मतलब कि जब हेड आया तो उसको एक इवेंट बोल रहे हैं, टेल आया तो उसको इवेंट बोल रहे हैं। जब आप एक कोई वर्ब है, कोई ऐसा काम है जिसका आपको रिजल्ट नहीं पता है कि क्या होगा, और उसके रिजल्ट के कई ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। जैसे अगर आप कॉइन टॉस करोगे तो लेट्स सपोज वो कॉइन जो है टॉस होने के बाद वो खड़ा नहीं रह जाएगा, मतलब पिक्चर में तो ये भी कर देता है ना कभी कभी, को स्टैंडिंग पोजीशन पे कर देता है, तो यहाँ आप उसको इवेंट नहीं मान रहे। सो देयर आर जस्ट टू पॉसिबल इवेंट्स हियर, एक है कि हेड आएगा और एक है कि टेल आएगा। तो अब इनमें से दोनों में से कोई हो तो तुम बोलो ये ऑफ कोर्स दोनों में से कोई होगा, है ना, कि मतलब वंस यू टॉस द कॉइन यू विल फाइंड वन ऑफ दीज रिजल्ट्स। तो इन दोनों में से कोई भी रिजल्ट आए उसके क्या चांसेस हैं, तुम बोलोगे पूरे चांसेस हैं। मतलब हम बोले कि भाई क्या चांसेस है कि हेड आएगा या टेल आएगा, तुम बोलोगे हेड या टेल ही तो आएगा और क्या आ सकता है, यानी कि पूरे चांसेस हैं। तो उस कंप्लीट चांस को हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं वन, फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ वन प्रोबेबिलिटी है, ये मैक्स प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी भी इवेंट की, है ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट हो सकता है वो यही है, है ना, वन से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, मतलब 100% चांस है कि हेड या टेल ही आएगा, समझे। कई बार हम परसेंटेज के भी सेंस में बोलते हैं, तो हम उस समय बोलते हैं हम 100% चांस है। तो अभी हम परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन पे कोई बात नहीं करेंगे, वी विल जस्ट टॉक इन टर्म ऑफ फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो सिमिलरली आप एक नया वर्ब, मैं वर्ब ये बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये काम कर रहे हो एंड यू डोंट नो द टोटल रिजल्ट, नहीं क्या रिजल्ट होगा। जैसे आपने कॉइन टॉस किया, सॉरी सर फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन वन मतलब तो उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं होगा, फ्रैक्शन है तो क्यों, जैसे दो भी तो फ्रैक्शन होता है ना, ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट 2/1। ओके मतलब वो 1/1 ही है। ओके हां, फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब टोटल में टोटल। तो सिमिलरली जब आप डाइस थ्रो करते हो तो क्या क्या पॉसिबल इवेंट्स है, टोटल पॉसिबल इवेंट्स क्या क्या है, या तो एक आ जाएगा या दो आ जाएगा या तीन आ जाएगा या चार आ जाएगा या पांच आ जाएगा या छह आ जाएगा, है ना। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि यू गेट एनी वन ऑफ दीज, एनी वन ऑफ दीज 1/6 कैसे, एनी वन ऑफ दीज तो आएगा ही आएगा ना, उसका तो प्रोबेबिलिटी 1 होगा। एनी वन ऑफ दिस मतलब कोई भी आ जाए इनमें से, वो प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होगी। तो एन एस
काउंट अगर करना होगा, जैसे मान लो कि अगर मुझे ऐसे काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितने हैं, तो तुम यहाँ पे ns कितना बताओगे, 2, ठीक है, और यहाँ पे पॉसिबल इवेंट्स कितने बताओगे, ns 6, ये नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स कितना होगा यहाँ, 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स क्या होगा यहाँ पे भी 1, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा फिर, मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस कैसे क्या होगा। देखो मैं पूछूंगा ऐसे, दो सवाल पूछूंगा, तुम दोनों का जवाब देना, इसको इस स्क्रीन से डाइस दिखा के बता दीजिए। नहीं डाइस की दिखा, तुम आंख बंद कर लो स्क्रीन से, ठीक है। ओके सर। और आंख बंद करके मेरे क्वेश्चन को सुनो कि मैं तुमसे पूछूंगा कि अगर मैं एक कॉइन टॉस करूं तो कितने रिजल्ट आएंगे, कितने रिजल्ट पॉसिबल है, या तो हेड या तो टेल। नहीं सॉरी कॉइन नहीं, डाइस थ्रो करे तो 6, मतलब 1 से 6 में कोई भी आ सकता है। हाँ तो 6 रिजल्ट पॉसिबल है। हाँ ये हुआ नंबर, नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स, ठीक है, ठीक है। अब मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि अगर मैं एक डाइस थ्रो कर रहा हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो 1 आए या 2 आए या 3 आए या 4 आए या 5 आए या 6 आए, मतलब ऑल 6 में से कोई भी आ जाए, तो तुम क्या बोलोगे? तो 6 नहीं आ रही है, 6 कैसे बोलोगे ना कि 100% प्रोबेबिलिटी है, एक ही, हाँ नंबर तो एक ही आएगा डाइस में, तो तुम ये बोलोगे ना कि हाँ पूरी प्रोबेबिलिटी है कि इन्हीं में से कोई आएगा। हाँ और कुछ तो आ नहीं सकता ना, ऐसे थोड़ी ना डाइस थ्रो करोगे तो 7 आ जाएगा। हाँ तो 1 से 6 तक में कुछ भी आए उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी। 1 होगी हाँ ना, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी निकलती है वो हमेशा 1 होती है। ठीक है सर, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो आप याद रखो कि आप जो काम कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग, देयर इज अ वर्ब एसोसिएटेड विद एवरी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, ठीक है, एक वर्ब एसोसिएटेड होगा उसमें, या तो कॉइन टॉस हो रहा है या डिस थ्रो हो रहा है या यू पिक अ पिक फ्यू कार्ड रैंडमली, ऐसा ऐसा कोई वर्ब हो रहा है ना, कार्ड पिक कर रहे हो या डाइस थ्रो कर रहे हो या कुछ भी, 2 डाइस थ्रो कर रहे हो, एंड देन यू विल हैव टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स उस वर्ब का, उसका टोटल नंबर को हम ns से रिप्रेजेंट करेंगे, वो काउंट कर सकते हो तुम, और उनमें से कोई एक काम हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी ही होगी, क्योंकि वही पॉसिबल आउटकम में से ही तो कोई रिजल्ट निकलेगा। यहाँ तक क्लैरिटी है सबको? तो सो मतलब मैं एक क्वेश्चन पूछूं बस कंफर्म करने के लिए कि मुझे समझ आया या नहीं। तो जैसे अगर 2 डाइसेस होंगी तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, एक मिनट, मैं लिखता चलता हूँ, मैं इसके नीचे ही लिख रहा हूँ, इससे रेफरेंस रहेगा तुम लोगों को। तुमने वर्ब कर दिया ऐसा कि 2 डाइसेस रोल हो रही है, बस लिखते रहो, वर्ब कर दिया थ्रो 2 डाइस, तो मेरा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स 12 हो जाएगा। नहीं, तुम्हारे डाइस पे क्या क्या आ सकता है, पहले वाले डाइस पे अगर 1 आता है, हाँ, ठीक है, तो दूसरे वाले डाइस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। हाँ। पहले डाइस पे अगर 2 है, हाँ, तो फिर दूसरे डाइस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता था। हाँ। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स कितने हो जाएंगे, 6 × 6 36 ना। अच्छा ठीक है, और प्रोबेबिलिटी भी फिर 1 से 2 हो जाएगी। अगर इनमें से कोई भी आने की प्रोबेबिलिटी पूछ दे, वो कोई पूछता नहीं है, है ना? हाँ। कि कौन, मतलब इनमें से कोई भी, ये सारे में से कोई भी आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, तो वो तो वही होगा, वन ही होगा, वन ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक क्लैरिटी आ गई कि इन जनरल व्हाट। नहीं सर, ये नहीं आया समझ। क्या नहीं आया? ये आपने 36 बोला ये समझ आया। हाँ? लेकिन ये इवेंट का जो आपने 1 बताया वो नहीं समझ आया। अरे अगर तुमने 2 डाइस थ्रो किया, इनमें से कोई भी रिजल्ट आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कोई एक ही सेट बनेगा। हाँ, कोई इनमें से एक ही आएगा ना, वो तो आ ही जाएगा ना। हाँ, मतलब जैसे एक में 2 आ गया, सुनिए ना सर, एक में 2 आ गया और एक में 3 आ गया,
ऐसा एक ही सेट बन के आया, इसलिए आपने वन बोला प्रोबेबिलिटी। नहीं, 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 इसलिए वन नहीं बोला मैंने, वन इसलिए बोला कि इनमें से तो कोई आएगा ही आएगा ना। अरे चलो अभी थोड़ी देर में इसको समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है? ओके चलो अब आते हैं फिर से दोबारा से मुझ पे। अगर आप कॉइन टॉस करते हो, ठीक है, और अब मैंने तुमसे पूछा हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो तुम क्या बताओगे? 1/2 और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 तो ऐसा कैसे पता चल गया मुझे 1/2 ही होगा? क्योंकि दो साइड्स है और एक या दोनों में से एक आ सकता है। दोनों में से एक आ सकता है, लेकिन हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, है ना, तो आइडियली दो बार टॉस करेंगे तो एक बार हेड और एक बार टेल आ जाना चाहिए, अगर बिल्कुल अनबायस्ड है ना, तो ऐसा आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है दोनों बार हेड भी आ सकता है, बट आइडियली ऐसा होना चाहिए था, ठीक है? तो दोनों पॉसिबल रिजल्ट्स में से किसी एक के लिए अगर पूछा गया है तो तुमने दो पॉसिबल रिजल्ट्स की वजह से 1/2 कर दिया, है ना, कि आधा चांस इसके लिए है आधा इसके लिए है। सिमिलरली अगर तुम डाइस थ्रो कर रहे हो ऐसा टाइप का डाइस है ऐसा थ्रो कर रहे हो तो 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6 अभी जो अंदर में लिखा हुआ है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, जैसे 1 आना एक इवेंट है, तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 सॉरी 1/6। तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर इनमें से किसी भी एक की आने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए, कि कुछ भी आ जाए 1 से लेकर 6 तक, तो तुम उसको बोलोगे ना 1 प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर हम सबके अलग अलग इवेंट को जोड़ दें तब भी तो हमारा 1/1 आता है ना। यस सर। यानी कि सारे इवेंट्स में से किसी एक का होना इज 1 प्रोबेबिलिटी, और फिर इवेंट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1 में से ही बटता है। हाँ, तो अगर हम पॉइंट टॉस किए और हमने बोला हेड या टेल आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तुम बोलोगे 1 प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आएगा ही हेड या टेल, ठीक है? ओके। तो पी एच या टेल आ जाए, हेड या टेल आ जाए, तो हम इसको बोलेंगे 1 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? लेकिन अगर पी एच है तो 1/2 और पी टी है तो 1/2, ठीक है? ये बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? यस सर। तो अब बात आता है कि अगर मैं तुमसे कहीं पे पूछता कि आप अगर आप एक डाइस थ्रो कर रहे हो, ध्यान से सुनना, ये नया आप एक चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डाइस थ्रो कर रहे हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है टू गेट इवन नंबर ऑन ऑन फेस? तो तुम बोलोगे ना कि इवन नंबर वाले कौन कौन से हैं? 2, 4, 6। तो या तो तुम ऐसे जोड़ते 1/6, 1/6, 1/6 तीनों को, कि तीनों में से कोई एक आ जाए, ठीक है? Yes, sir. या तुम बोलते कि 3 इवन नंबर है और टोटल 6 पॉसिबल रिजल्ट है, तो तुम ऐसे भी बोल सकते थे। ठीक है, तो ये हम क्या कर किया हमने कि इवन नंबर वाला काउंट किया पहले कि कितने हैं, तुमने बोला 3। ओवरऑल कितने हैं, तुमने बोला 6, तो 3/6 लिखा, ठीक है? तो सिंपलीफाई भी होगा क्या? क्या 3/6 सिंपलीफाई भी होता है क्या? हाँ, 1/2 ही 1/2 भी लिखते हैं। 1/2 ही लिखेंगे,
अब सुनो मेरी बात, तो तुमसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में मोस्टली दे विल आस्क या क्वेश्चन विल बी आस्क प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ एनी इवेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट. ये पूछेगा. तो जब इसके निकालने के चार स्टेप है, सबसे पहले ध्यान दो जो हमने किया वही करेंगे. सबसे पहले तुमको आइडेंटिफाई द वर्ब. वर्ब को आइडेंटिफाई करो कि कौन सा काम हो रहा है, यानी जो इवेंट है वो किसी काम का ही तो रिजल्ट है ना. कॉइन टॉस किया, डाइस थ्रो किया, दो डाइस थ्रो किया, कार्ड के पैक में से कार्ड निकाला, बॉल्स के कॉम्बिनेशन में से बॉल्स निकाला, क्लास में बच्चे हैं तो उसमें से पिक किया. एनीथिंग दैट यू डू दैट इज वर्क. फिर उसके बाद फाइंड आउट करो NS, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ये बात समझ रहे हो तुम लोग? यस सर. आउटकम्स. फिर आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई द फेवरेबल इवेंट. फेवरेबल का मतलब यहां पे कोई फेवरेबल से मतलब नहीं है, वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको आइडेंटिफाई करो. जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन फेस, पूछा था ना. हाँ जी. लेकिन आ क्या रहा हमारा, 1 2 3 4 5 6 आ रहा था रिजल्ट, आ रहा था ना डाइस थ्रो करने पे. तो तुमने आइडेंटिफाई किया ना कि इवन नंबर का मतलब होता है 2 4 6. अब किसी को इवन नंबर पता है वो तो नहीं निकाल पाता ना. तो जिसने आइडेंटिफाई कर पाया कि व्हाट इज इवन नंबर है ना, वही तो आपकी आवाज नहीं आ रही है. नहीं, बोल ही नहीं रहा हूं मैं. तो जिसने आइडेंटिफाई किया इवन नंबर इवेंट है और उसको काउंट कर पाया कि कितने इवन नंबर इवेंट है, तो तुमने काउंट कर लिया 2 4 6, यानी कि 3 है. ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, आइडेंटिफाई द फेवरेबल इवेंट्स. उसके नेक्स्ट इवेंट क्या होगा, उसको काउंट करो. अच्छा. कि जो फेवरेबल इवेंट है वो कितने हैं, है ना, उसको काउंट करो. ये होता है ई, मान लो अगर ई बोलते हैं उसको, तो उसको काउंट करेंगे तो क्या बोलेंगे, एन ई, है ना. और जो लास्ट और फाइनल स्टेप है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विल बी एन ई डिवाइडेड बाय एन एस. ये बात समझ में आ गई तुम लोगों? Yes, इसका फोटो खींच के रख लो पहले. तो ये NE क्या बताया आपने? E जो है जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है इवेंट. हाँ. और NE जो है उसकी काउंटिंग कितने हैं. जैसे अगर मैंने तुमसे बोला ना, लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, उसमें बोला था इवन नंबर आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. तो इवेंट क्या था, इवन नंबर ऑन फेस, वो आइडेंटिफाई करना था. काउंट क्या करना था, कितने इवन नंबर है, तो 2 4 6 3 इवन नंबर है तो 3. टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ रिजल्ट्स कितने थे, तो 6, तो 1/2 तुमने इसको काट के लिख दिया. ठीक है. ओके सर. तो अब बताना मुझे, हम इसको अभी डिलीट नहीं कर रहे हैं. आई जस्ट पहले तो मैं पूछूंगा तुमसे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे डिफरेंट डिफरेंट सोच में. तुम्हें पता ही चली गया है कि 2 डाइसेस थ्रो करते हैं तो कितने पॉसिबल रिजल्ट्स बनते हैं, 36. अब बताओ मुझे, अगर एक पैक ऑफ कार्ड्स है, तो पहले ये बता दीजिए नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52 क्या? या 52. पैक ऑफ कार्ड्स में से 2 रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो,
तब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स कितने होंगे? बाय 52. कितना? 2/52. हाँ क्यों? दो रैंडमली सेलेक्ट करना है ना. अच्छा एक बात बताओ, सुनो, इस क्लास में कितने बच्चे हैं अभी करेंटली, देखो तो जरा सा. 21 आ गए. चलो वेरी गुड. अगर मैं बोलूं कि आउट ऑफ दीज 21 कैसे, वही हुआ ना, भव्या रुक जाओ, गलत है ये. 21 तो एक तो मैं टीचर हूँ ना, तो 20 बच्चे हुए कि है ना. यस सर. तो देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन क्लास और मुझे दो बच्चे पिक करने हैं, मतलब आई हैव सम वर्क और उसमें दो बच्चों की जरूरत है, तो मैं कितने तरीके से, आई पिक्ड टू स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू पिक टू स्टूडेंट्स आउट ऑफ 26. तो इसके टोटल कितने तरीके हो सकते हैं बताना जरा सा. आउट ऑफ 26 क्यों? आउट ऑफ 20. 20 आउट ऑफ 20. 10 क्योंकि बच्चे 20 है ना. बताओ इसके कितने तरीके हो सकते हैं? 10. कौन है ये 10, कौन बोल रहा है? माही मिश्रा. माही देखो, अगर मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया एक, तुम्हारे साथ 19 और लोग हो सकते हैं कि नहीं? हाँ. फिर मैंने अगर तरन को सेलेक्ट किया तो तरन के साथ तुम्हें छोड़कर बाकी के 18 और हो सकते हैं कि नहीं? जी. तो 18 क्यों 19 उनके साथ भी ना, अगर ऑलरेडी काउंट हो गया ना, तुम्हारे साथ तो तरन थी ना एक बार. हाँ, अगर इंडिविजुअली होता तो उनका भी 19 होता ना. हाँ, तो ऐसे 20C2 बनेगा. 2 factorial into 52 होगा, 51 होगा. पहले ये बताओ 20C2 बनेगा कि नहीं? हाँ. आउट ऑफ 20 स्टूडेंट दो सेलेक्ट करना है, इसीलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्लास जरूरी था, है ना, यहाँ काउंटिंग के लिए बस, और कहीं नहीं. भव्या तुम्हें समझ में आया? 20 फैक्टोरियल नहीं होगा, 20 बच्चों में से दो सेलेक्ट करना है. तो हाउ मेनी पॉसिबल सेलेक्शन वुड बी देयर 20C2. बोलो भव्या, बोलो. ठीक है माई, तुम्हें समझ में आया अभी? हाँ सर. तो सिमिलरली अगर दो कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो आउट ऑफ 52, तो इसका क्या होगा? 52C2 ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे? 52C2 को. हाँ यही पढ़ेंगे. क्या 52C2 ऐसे C4 कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन बोलते तो ऐसे ही है ना, 52C2. जी ओके. तो तुम जब क्लास की दोबारा वो एपिसोड देखोगी ना, यू विल गेट क्लास, एवरीबॉडी नोस दैट कि ये 52C2 का मतलब होता है 52 में से दो सेलेक्ट किया गया है उसके नंबर्स. ठीक है ओके सर. ओके ओके. तो अब तुम लोग इवेंट आइडेंटिफाई करना, मतलब सॉरी वर्ब आइडेंटिफाई करना और उसके काउंट करना, अब ये तुम्हें सीखना है, क्योंकि ये करोगे और इवेंट काउंट करोगे तो प्रोबेबिलिटी बताना आसान है. अब मुझे बताओ कि इवेंट है, ऐसा इवेंट है कोई कि इवेंट ऐसा है तो सवाल प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें? अभी प्रोबेबिलिटी पूछा कहाँ, अभी तो वर्ब था, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का पूछेगा ना. अच्छा, अभी तो मैं एक वर्ब बता रहा हूँ कि कोई काम करते हैं तो उसके पॉसिबल ऑप्शंस कई सारे हो सकते हैं, तभी तो प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है ना. पूछ लीजिए क्वेश्चन सर. हाँ एक और पूछते हैं. अब वही बात है, ये सारी काउंटिंग जो होती है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से होती है. जैसे मान लो अगर मैं बोला 20 स्टूडेंट्स हैं अभी क्लास में and I have 2 chocolates to share, है ना, different chocolates. तो in how many way, अब मैंने 2 chocolates share किया 20 student में से. अब मैंने किया या मुझे करना है, समझो verb ये है कि मुझे करना है. तो कितने possible तरीके हो सकते हैं? 20P2. ना, मैंने restrict नहीं किया ना कि तुमको इसी में से देना है, मतलब सबको एक-एक देना ही देना है.
तो 20 C2 ही होगा ना, P2 नहीं होगा ना, P2 भी नहीं होगा, P2 तो डिफरेंट करने के नाम पे वो तब होता जब दोनों को मतलब हर को एक एक ही दे सकते, एक से ज्यादा नहीं दे सकते। मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था तो इस केस में 20 × 20 होगा ना। पहले चॉकलेट के लिए भी 20 ऑप्शन है और दूसरे चॉकलेट के लिए भी 20 ऑप्शन है। समझ आई? यस सर। तो अगर एक और पूछे सर। नहीं, अभी इसी में डिफरेंट डिफरेंट है ना। देखो जैसे 20 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैंने क्या किया, दो चॉकलेट्स हैं डिफरेंट और मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने तरीके से होगा? तो तुमने बोला कि पहले चॉकलेट के लिए 20 स्टूडेंट का ऑप्शन है, दूसरे के लिए 20 का ऑप्शन है, तो 400। अगर रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि नोबडी गेट्स 2, तुम क्या बोलोगे? 20 × 19, दूसरे के लिए 19, या फिर इसको 20 P2 भी बोल दोगे क्योंकि दो लोगों में अरेंज कर देना है चॉकलेट्स को, दोनों एक ही बात होगा। ठीक है सर जी, पी और सी में क्या डिफरेंस है? अब वो एपिसोड देखो पहले, थोड़ा सा बता दीजिए ताकि इसका आगे का समझ आए। पी जो है अरेंजमेंट जहाँ इम्पोर्टेंट है ना, और सी जहाँ पे अरेंजमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये तुम्हें देखना ही पड़ेगा। समझी माई? अभी फिर ये अभी तुम्हारा देखो, अभी सबके दिमाग में बस ये होना चाहिए कि अभी मैं जो यहाँ बता रहा हूँ ना, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो मेन कोर पॉइंट हमारा क्या है कि जब भी प्रोबेबिलिटी की कोई बात होती है, देयर इज अ मेन वर्ब जो होता है उसके कई पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं जिसको हमें काउंट करने होते हैं, और उनमें से किसी एक रिजल्ट के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो जो जो उनमें से जो रिजल्ट के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है उसको बोलते हैं फेवरेबल इवेंट्स, और उसकी काउंटिंग को हम लिखते हैं NE। ये इंपॉर्टेंट है। तो जो यहाँ हम अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि अगर मैं 20 बच्चों में से दो बच्चों को चॉकलेट बांटना है तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते थे। तो जैसे अगर दो डिफरेंट चॉकलेट था और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था तो 20 × 20 होता। अगर ये रिस्ट्रिक्शन होता कि नोबडी गेट्स 2 तो 20 × 19 होता, और ये रिस्ट्रिक्शन अगर दोनों सेम चॉकलेट होते, दो चॉकलेट सेम, तो अगर हम जैसे मान लो कि या तो हम ऐसे बांट सकते हैं कि एक एक करके दें, तो मतलब तो 20 C2 किसी भी दो बच्चों को दे देंगे, या फिर ऐसे कर सकते थे कि दोनों चॉकलेट ही एक बच्चे को दे तो 20 और उसके चांस हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकलता है। ओके, है ना। तो आपको ये यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ये हो सकता है थोड़ा टिपिकल लग जाए, लेकिन आपको जो यहाँ कर रहे हैं वो आपको आना चाहिए कि इन एनी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन यू बेसिकली डू या परफॉर्म अ वर्ब जिसके मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। ठीक है जी। पूछने वाले क्या करेंगे, वो तुमसे पूछेंगे किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इवेंट को पहले आइडेंटिफाई करना है एंड देन उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इवेंट को भी काउंट करना है कि कितने तरीके के वो इवेंट हो सकते हैं। ठीक है। और फिर बाद में उसको डिवाइड करके चांसेस बता देने हैं कि इतना चांस है। अब लेट्स सी, अगर मैं तुमसे बोलूं, हम फिर से आते हैं पहले वाले पे, दो डाइस थ्रो किए थे। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पे इवन नंबर आए, राम थ्रोस टू डाइसेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर बोथ इवन फेस? रुक जाओ, मैं तुम किसी किसी से पूछूंगा वही बताएगा मुझे, भागा कोई।
अभी हम 20 बच्चों में काम कर रहे थे मैक महक नहीं जवाब दे रही है श्रेया यस सर यही हूँ मैं हाँ तो श्रेया तुम बताओ कि ये जो क्वेश्चन है इसमें वर्ब क्या है डाइसेस वर्ब नहीं होता है डाइसेस नाउन होता है वर्ब क्या है एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं तुम लोग को पता है कैसे अंग्रेजी क्या पढ़ रहे हो तुम लोग दो डाइस भी नहीं थ्रोइंग द दो डाइस थ्रो राम थ्रोस टू डाइसेस ये हमारा वर्ब है कितने पॉसिबल रिजल्ट्स है उसके 36 प्रोबेबिलिटी किस इवेंट की पूछी गई है दोनों पे इवन नंबर केवल इवन नंबर नहीं बोलना है तो उस प्रोबेबिलिटी के मतलब उस इवेंट की काउंटिंग कितनी हो सकती है 6 केवल 6 जैसे मतलब पहले पे 2 आएगा दूसरे पे 2, 4, 6 कुछ भी आ सकता था ना अच्छा फिर अगर पहले पे 4 आएगा तो दूसरे पे फिर 2, 4, 6 कुछ भी आ सकता है और पहले पे अगर 6 आएगा तो फिर दूसरे पे 2, 4, 6 कुछ भी आ सकता था 9 तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने हमारे इसमें 9 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने थे 36 तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 9/36 हमारा पहला काम क्या होता है वर्ब पता लगाना वर्ब बताओ उसके बाद उसके टोटल रिजल्ट को काउंट करो फिर देखो कि किस इवेंट की क्या पूछ रहे हैं मतलब हाँ क्या किसकी किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं और जब वो कर लेने के बाद आपको डिवाइड कर देना है उसको काउंट करना है और फिर डिवाइड करके आपको प्रोबेबिलिटी बता देनी ठीक है सर इस क्वेश्चन को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं क्या देखो काउंटिंग तुमको जैसे मन करे वैसे करो एक मिनट जरा सा होल्ड करो हाँ तो क्या कुछ कोई पूछ रहा था क्या हाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का रोल सिर्फ काउंटिंग के लिए होता है काम यही करना होता है ना सो यहाँ पे काउंटिंग के लिए तो तुम्हें दूसरे की जरूरत ही नहीं किसी टूल की गेटिंग माय पॉइंट यस सर तो आपको आपको काउंटिंग जैसे NS काउंट करने के लिए कई बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ सकती है NE काउंट करने के लिए जरूरत पड़ सकती है लेकिन जो काम प्रोबेबिलिटी निकालना वो यही है तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इस सवाल को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं कि नहीं तुम ये जरूर बोल सकते हो कि सर ये वाली काउंटिंग हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं काम आपको यही करना है कुछ भी हो जाए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में ठीक है ठीक है तो अब जैसे मान लो कि सेम क्वेश्चन में अगर हम ये पूछ देते कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 as sum
इस केस में भी हमारा पहली चीज तो चेंज नहीं हुई, वर्ब वही का वही रह गया. व्हाट इज वर्ब नाउ? थ्रोइंग. थ्रोइंग नहीं, डाइस. टू डाइसेस. टू डाइसेस थ्रोइंग. क्या बोलो? उसके बाद उसके टोटल रिजल्ट्स कितने होंगे? 36. प्रोबेबिलिटी किसका पूछा गया है? 9 आने का. दोनों में जो नंबर आए मिलाकर 9 हो जाए. हाँ, तो वो समझ गया कि वो इवेंट समझ गया. अब उसकी काउंटिंग करनी है. तो बताओ कैसा कैसा होगा? पहले पे 3, दूसरे पे 6, या पहले पे 6, दूसरे पे 3? ऐसा हो सकता है? 9 4 5 या 5 4, ऐसा हो सकता है? 9 और कोई तरीका है 9 होने का? No, नहीं ना. तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, मतलब जो फेवरेबल इवेंट्स हो गए, एन ई कितना हो गया? 4. 2 3 4. तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/36. 1/9. ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ जी. यस सर. यस सर. सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है किसके बारे में बात हो रही है, कौन सा वर्ब है, उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, उसके बाद किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है. सो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 8 नहीं होगा? 8 कैसे होगा? क्योंकि पहले डाइस का भी तो काउंट करेंगे ना. हाँ तो नहीं नहीं, ये पूरा एक इवेंट होता है ना, इसको 2 डाइस थ्रो किया गया है. अच्छा, तो बट पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी तो फिर 9 कैसे आया? उसमें 6 नहीं आना चाहिए था? नहीं, जैसे 9 ऐसे आया था ना कि 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, 2 के साथ 2, फिर 4 के साथ 2, फिर 4 के साथ 4, फिर 4 के साथ 6, ऐसे आ रहा था ना. ठीक है तो अब तुम लोग को बहुत आसान हो गया ये करना. तो जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that person X has been born on weekend. Has been what? Born on weekend. मतलब weekend पे, या has birthday in weekend. On weekends. अब देखो यहाँ कोई वर्ब नहीं हो रहा है, लेकिन बात वही हो गई कि उसका बर्थडे होना इज अ वर्ब ही है. ठीक है, तो बर्थडे कितने तरीके से हो सकते हैं, कितने दिनों में हो सकते हैं? सात. यहाँ पे एन एस कितना होगा? 7. और बोल रहा है प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है कि वीकेंड्स पे हो इसकी प्रोबेबिलिटी. इवेंट क्या है वीकेंड का? एन ई कितना होगा? 2. तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/7. 2 कैसे? वीकेंड कितने होते हैं? तुम सैटरडे सैटरडे संडे वैसे सैटरडे वर्किंग वाला ऑफिस में हो क्या तुम? नहीं नहीं सर, मुझे लगा आप सिर्फ संडे कर रहे हैं इसलिए मैं 1/7 कर रही हूं. इवेंट 7 कैसे आया? क्या चीज? टोटल इवेंट 7 कैसे आया? कितने दिन होते हैं आपका बर्थडे? कितने दिन में हो सकता है? तो एक साल में तो कभी भी हो सकता है ना. नहीं नहीं, वो हम तो साल के बारे में नहीं बात कर रहे ना, हम तो ये बोल रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है वीकेंड्स में पड़े. तो ये वर्ब जो है सिर्फ डे के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है ना. अच्छा, तो मतलब एक हफ्ते में कब पड़ेगा, पड़ सकता है? हाँ, वो वाली बात है कि हफ्ते के कौन से दिन पे उसका बर्थडे पड़ेगा. ठीक सर, अगर स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डे बोला होता या संडे या कोई ऐसा, तब 1/7 ही होता ना. हाँ, तब 1/7 होता. ओके ठीक है. तो अब तुम लोग अभी तक इतने बात पे श्योर हो गए होगे कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे जो भी काम हो रहा है उसके मल्टीपल इवेंट्स आउटकम्स पॉसिबल हैं, है ना. उस मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स की सबकी मिला के प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है.
लेकिन सवाल जो पूछा जाता है वो किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए पूछा जाता है, उसको हम फेवरेबल इवेंट बोलते हैं। यहाँ फेवरेबल से मतलब फेवर करना नहीं होता है, फेवरेबल का मतलब इसके बारे में बात हो रही है। फिर हम उस इवेंट को आइडेंटिफाई करके उसके उसको काउंट करते हैं कि कितने तरीके से वो इवेंट क्रिएट हो सकता है, और फिर हम फाइनल प्रोबेबिलिटी उस प्रोबेबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी एन ई बाई एन एस करते हैं। ठीक है? हेलो हेलो सर। हाँ, एन ई जो पहले एन ई इक्वल टू टू, इसके बारे में थोड़ा को बताएंगे? एन ई इक्वल टू टू, ये वीकेंड में बर्थडे होने की बात की जा रही है। जो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो किस चीज की पूछी गई है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स हैज बर्न ऑन या हैज बर्थडे ऑन वीकेंड? तो वीकेंड कितने होते हैं? टू डेज। दो वीकेंड होते हैं ना, मतलब वीकेंड तो एक सैटरडे और एक संडे होता है। ओ अच्छा अच्छा ठीक, इसलिए दो। सर एक और पूछो, मुझे बनाना पड़ रहा है, तुम पूछो ना। मुझे क्वेश्चन क्रिएट करना पड़ रहा है, देखो हम पूछते हैं। सर रुक जा, रुक जा, मैं पूछता हूँ। जैसे एक क्लास है ना, जिसमें 15 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, और मैंने दो बच्चों को सिलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट बोथ आर बॉयज? अब बताओ इसमें वर्ब क्या है? सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ टू किड्स। हाँ, टू बोलना जरूरी है, दो बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 25। ठीक है, तो एन एस कितना होगा? 25। इसमें से दो बच्चे सेलेक्ट कर ले, 25 होगा। अरे कब बार बार भूल जा रहे हो यार, 25C2। हाँ, 25C2। 25 में से दो बच्चे सेलेक्ट करना है। बात समझ आ रही है सबको? हाँ जी। अच्छा, फेवरेबल इवेंट क्या है? दोनों लड़के हैं। वो कितने तरीके से हो सकते हैं? 15C2। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 15C2 डिवाइडेड बाय 25C2। अब इसको सॉल्व कर लोगे? कैसे सॉल्व होता है ये तुम उस एपिसोड में है, लेकिन मैं बना दे रहा हूँ। आप ना मेरे एपिसोड वाले वर्ड के पीछे मत पड़िए सर, प्लीज, गलती से बोल दिया था मैं। अरे तो उससे पर क्या हुआ, अच्छा वर्ड था। सर सॉरी ना। अरे अच्छा वर्ड था बता रहे। देखो ये कट गया, ये तुम्हारा 3-5। क्या लिखे आप, मुझे आपका हैंडराइटिंग नहीं समझा। अरे ये जैसे 15C2 जो होता है, ये 15×14 डिवाइडेड बाय 2×1 होता है। ओके। तो ये हमारा आ गया 21/4, एक बार और कट जाएगा ना, 7/20, ये आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आई सबको, क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ जी सर। तो अब अगर तुमसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछा जाता कि बोथ आर गर्ल्स, तब क्या करते? 10C2/25C2। Exactly. क्योंकि सैंपल स्पेस का तो नंबर चेंज नहीं होगा। अच्छा, एक लड़की और एक लड़का होता तो 1 girl 1 boys होते तो तो 25/2 ही होता? नहीं, ये इवेंट है कि एक लड़का एक लड़की, तो तुम ऐसे करते ना 15C1×10C1, दोनों में से कोई भी एक ले ले, एक एक ले ले कितने, और फाइनल तो वही है ना, 25C2 ही होगा।
बात समझ में आ गई? आपको पहले देखना है कि क्या किया गया है, उसके टोटल नंबर क्या होंगे, फिर देखना है किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उसका टोटल नंबर क्या होगा, ठीक है जी। अच्छा रुको, और मैं पूछता हूँ, बोलो किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई हैंडी रखा है, मतलब हाथ में रखा है कोई सीट प्रोबेबिलिटी का? काउंटिंग के लिए तुम्हें पीएनसी का यूज करना पड़ेगा, इसलिए पीएनसी तुमको आना चाहिए। हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दे जिसमें पीएनसी का कोई यूज नहीं है, आप खुद भी काउंट कर सकते हो, लेकिन आपको काउंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो आप जिस जो वर्ब या एक्ट आप परफॉर्म करते हो उसके जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो काउंट करना है, जिसकी जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो काउंट करना है, और फिर उसको डिवाइड करके आपको प्रोबेबिलिटी बताना है, ठीक है? वो जो डाइस वाला आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले, दो डाइस पे का इवन नंबर एंड ऑल, उसमें पीएनसी वाला रोल नहीं था ना? नहीं, उसमें भी जैसे 6x6 करते हैं टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स, है ना, वो पीएनसी से ही आता है, लेकिन वो बिना पीएनसी का भी समझ में आ गया तुम्हें? Why I'm saying that? Because that I understood better. अभी जिसमें ये PNC आ रहा, maybe I didn't see the earlier class, इसलिए मुझे समझ नहीं आया। वो तो मैं ये दिक्कत लग रहा होगा कि वो counting हुई क्या? We can see that class, sir. तो अब जैसे मान लो, हाँ बोलो। Sir, ये bag contains 8 red and 6 blue balls. 8 red, 6 blue balls. हाँ। If 5 balls are drawn at random. देखो ध्यान से सुनना, 5 balls are drawn at random. एक मिनट, drawn at random. What is the probability that 3 of them are red and 2 are blue? ठीक है, तो क्या क्या हुआ है? सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई करो, वर्ब आइडेंटिफाई करने क्या हुआ? वर्ब ड्रॉइंग्स द बॉल, नहीं, 5 balls फ्रॉम 5 bags, फाइव बॉल्स फ्रॉम बैग्स, फ्रॉम अ बैग व्हिच हैज 8 red and 6 blue balls, है ना? तो ns कितना आएगा? c5 14 बॉल में से 5 सिलेक्टेड है, करेक्ट। अच्छा, एन ई कितना आएगा? तो 3 red है, यानी कि 3, हाँ, और इनटू 6c2, तो प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? c2 डिनोमिनेटर में दैट 14c/5, नॉट बाय, सॉरी, विल सॉल्व, समझा? समझ गए जी। तो एन ई क्या होगा इसमें? एन ई ये होगा, अच्छा ठीक है, 3 red ball और 2 blue ball, ठीक है। और कुछ बताओ? और शीट, और एक और क्वेश्चन शीट नहीं है क्या? हाँ, क्या नहीं है सर? एक क्वेश्चन, सर शीट से ही मैंने बोला था, ड्राइव पे ही है, सीट ड्राइव पे होगा ही, कैसे नहीं होगा? एक क्वेश्चन और भी बोलो, बोलो मैं क्वेश्चन मेरे पास, हाँ बोलो। इन अ रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली, स्टूडेंट्स आर इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन ट्रिमेस्टर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट फेल्स इन द फर्स्ट ट्रिमेस्टर इज 0.08। अब ये दूसरे कॉन्सेप्ट पे है, एक मिनट रुक जाओ, चलो हम बताते, फिर भी बताते हैं, 0. उसी शीट में है जिससे अभी इसने पूछा था। हाँ, तो बाद के क्वेश्चंस होंगे ना पीछे के, जस्ट नीचे है उसके, शुरू में ही है। हाँ, बोलो बोलो, नंबर है। हाँ ठीक है, चलो फिर भी कोई बात नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.08। इफ ही डज नॉट फेल इन द फर्स्ट ट्रिमेस्टर, द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज प्रमोटेड टू द सेकंड ईयर is 0.87.
ये लेवल वन सीट पे है क्या ये? लेवल वन की कोई शीट नहीं है सर, लेवल टू की शीट है मेरे पास फोन में खुल। नहीं तो लेवल वन वाला होगा, हम तुमको वही देते हैं, इससे मत करो ये, फिर पता चला कि तो ये जो इसके चक्कर में ये जो बॉल वाला करना अभी। हाँ बॉल वाला भी होगा लेवल टू में, लेवल टू में आसान भी होते हैं। हाँ कोई नहीं, मैं तुम्हें इजी वाला सीट भेज देता हूँ, ड्राइव में डाल देता हूँ, है ना? ठीक है, कोई और क्वेश्चन बोलो, एक मिनट रुक जाओ। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है अभी, क्योंकि देखो लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वेश्चंस। ठीक है, मेरे को तो शीट ही नहीं मिल रही इसके क्वेश्चन। सर द आंसर शीट ऑफ फाइव इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वो बोलो कौन सा वाला क्वेश्चन है? द आंसर शीट्स ऑफ फाइव इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कैन बी देखो ये भी थोड़ा टिपिकल है, लेकिन ये हम बताते हैं क्योंकि इसमें काउंट फाइव इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और इसको चेक करने के लिए नाइन प्रोफेसर हैं। ठीक है सर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट all the five answer sheets are checked by exactly two professors? All the five answer sheets are checked by exactly two professors. By exactly two professors? हाँ ठीक है, तो इसमें इसमें क्या हुआ, five engineering students के paper को, ठीक है, फाइव इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पेपर को नौ प्रोफेसर चेक करने वाले हैं। ये हमारा इनिशियल वर्ब है, ठीक है, जो हो रहा है। तो एन एस कितना होगा बताना, नहीं वो यही यहाँ पीएनसी का, जैसे पहला पेपर को नौ में से कोई भी एक चेक कर सकता है, कर सकता है ना, तो दूसरे को भी नाइन में से कोई भी एक चेक कर सकता है, तीसरे को भी नाइन में से कोई भी एक चेक कर सकता है, चौथे को भी नाइन में से कोई एक चेक कर सकता है, और पांचवे को भी नाइन में से एक कोई चेक कर सकता है। ठीक है, एनएस हो गया नाइन टू द पावर फाइव। ठीक है, ये बात आई सबको समझ में? तो देखो मिला जुला के ये है कि हो सकता है ये काउंटिंग तुमको समझ में नहीं आया, लेकिन तुम्हें ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि हम कर क्या रहे हैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ ये कर रहे हैं। तो हर पेपर के लिए नौ प्रोफेसर हैं, तो पहला पेपर या तो नौ में से किसी में से चेक किया, दूसरा भी नौ में से किसी में चेक किया, तो नाइन टू द पावर फाइव जो है ये हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ वो है वर्ब है। एन ई क्या है कि दो ही से चेक कराना है, है ना, तो पहला वाला भी क्या है कि पहला वाला भी यहाँ पे भी नाइन इंटू नाइन ही होगा। क्योंकि पहला पेपर जो है नौ में से किसी भी एक से, सॉरी दो में से किसी भी, सॉरी नहीं 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 हाँ सर, व्हाट इज द वो मतलब दो ही से चेक करा सकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल फाइव आंसर शीट्स आर चेक्ड बाय एग्जैक्टली टू प्रोफेसर्स? एग्जैक्टली टू है ना। हाँ, तो जैसे मान लो कि पहला वाला जो है, है ना, वो नौ में से एक मिनट जैसे जैसे कोई भी दो प्रोफेसर पहले आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो कितने तरीके से दो प्रोफेसर सेलेक्ट होंगे, नाइन सी टू। ये जरूरी नहीं है ना कि ए बी सी, कोई भी दो प्रोफेसर हो सकते थे, है ना। अब मान लो प्रोफेसर ए और प्रोफेसर बी सेलेक्ट हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे कि पांच में से पहला पेपर जो है दोनों में से किसी एक के पास जाएगा। ठीक है, हाँ सही में, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ दूसरा पेपर भी दोनों में से किसी एक के पास जाएगा, तीसरा भी दोनों में से किसी, तो ये टू पे पावर फाइव हो जाएगा। हाँ उसमें से एक माइनस कर देंगे हम, क्योंकि हो सकता है कि सब जो है एक ही प्रोफेसर के पास चला जाए। हाँ हाँ तो ये थोड़ा टिपिकल है ये वाला, ये सिर्फ पूछेगा नहीं तुमसे, ये माइनस वन करके इंटू तुम्हारा नाइन सी टू करके डिवाइडेड बाई नाइन टू पावर फाइव, ये आंसर आएगा। शरत क्या है आंसर इसका? सर ऑप्शन तो सर इसका मतलब वैल्यू में आंसर। हाँ वैल्यू में आंसर है सर। कितना ऑप्शन बोलूं? बोलो 20/2187 ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है 40/2187 और तीसरा है 40/729
और चौथा तो none of these है. ठीक है, एक मिनट, एक काम करो, यहाँ पे चले जाओ. तुम्हारा जो सीट है ना, लेवल वन बताते हैं कहाँ पे है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाला. ये तो मुझे मॉडर्न मैथ्स में मिला था. हाँ, मॉडर्न मैथ का लेवल वन में नीचे जो है वो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है. प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी? नहीं नहीं, मॉडर्न मैथ्स का लेवल वन सीट खोलो, उसका फिफ्थ पेज से, फिफ्थ से सेवेंथ तक जो है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है. मॉडर्न मैथ्स लेवल वन, हाँ मिला मुझे, एक सेकंड जाओ. फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ थ्री डिजिट कैन बी फॉर्मड? हाँ मिल गया सर, प्रोबेबिलिटी. हाँ मिल गया ना, सबको मिल गया. अब उसमें से क्वेश्चन बोलो, इसको सॉल्व करके फिर आ जाएगा आंसर. उसमें से बोलो. बोलूं? इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 25 ब्लैंक्स. ठीक है, तो 10 प्राइज है और 25 ब्लैंक्स है. A lottery is drawn at random. एक lottery drawn at random है, ठीक है. What is the probability of getting the prize? हाँ, तो एक lottery draw करने की जो वो होगी, क्या बोलते हैं, उसका total जो result possible होगा वो कितना होगा? NS 35 होगा? 25 plus, हाँ. क्योंकि 10 प्राइज है और 25 ब्लैंक है, टोटल 35 लॉटरी ही है, है ना? 35. अब ये बोलते हैं कि, सॉरी 35 नहीं हुआ ना, हाँ 35 हुआ. अब ये बोलता है कि उसको क्या प्रोबेबिलिटी कि जीतेगा, तो जीतने का इवेंट कितने हैं टोटल? 10. हाँ, क्योंकि 10 प्राइजेस ऐसा बोल रहा हूँ ना. 10 प्राइजेस हैं तो जीतने का, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा जीतने का? 35, 10 by 35, 2 by 7. तुम लोगों को इसी लेवल पे पूछेगा टेस्ट में. तो ये जो आपने शीट खुलवाई है, बस ये प्रैक्टिस करने से हो जाएगा लेवल 2 या कुछ नहीं करना? नहीं नहीं, और कुछ नहीं करना, और बाकी एक दो और दे देंगे हम कुछ. हाँ प्लीज. आपको ऐसा क्वेश्चन एक बार करके दिखा सकते हो जिसमें मतलब वो बोले कि जैसे एट मोस्ट या फिर एट लीस्ट करके कुछ ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं ना? हाँ, मैं तुम्हें अब उस पे बता देता हूँ, रुक जाओ. देखो, जैसे एक क्वेश्चन था ना कि जैसे मान लो कि मैंने बोला कि देर आर 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स इन ए क्लास, ठीक है. मैंने बोला कि 4 स्टूडेंट्स हैड बीन सेलेक्टेड, ठीक है. वर्ब, हाँ. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 3 boys are there? अब जैसे ऐसा पूछ दिया, तो अब इसमें पहला वाला जो काम है जिसमें verb identify करना हो, तो तुम्हें पता है क्या है? बोलो. हाँ. और उसका नंबर कितना होगा? 12C4. 12C4, 12 में से 4. अब ये जो है जिसमें एटमोस्ट 3 बॉयज हैं, ठीक है, तो एटमोस्ट मतलब 0 बॉयज भी हो सकते हैं, 1 बॉयज भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 बॉयज भी हो सकता है. एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, यही हुआ ना? यस. तो अगर 0 बॉय है तो कितनी गर्ल्स हो जाएंगी? 4 गर्ल्स हो जाएंगी, क्योंकि 4 लोग सेलेक्ट करना है ना तुम्हें. तो उसको तो पूरा तो करना ही पड़ेगा. यहाँ पे 3 गर्ल्स हो जाएगी, यहाँ पे 2 गर्ल्स हो जाएगी और यहाँ पे 1 गर्ल्स. इसका टोटल नंबर कितना होगा बताना? 5C4 होगा. इसका टोटल नंबर कितना होगा? 7C182, 5C3. इसका कितना होगा?
7c2 into 5c2 इसका कितना होगा 7c3 into 5c1 अब इन सब का अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के जोड़ देना है या फिर तुम सबको एक साथ जोड़ लो जैसे ये निकाल लो तो ये 5 होता है ये कितना होगा 7 into 10 70 हो जाएगा मतलब या तो ऐसे जोड़ लो सबको ठीक है एक तरीका इसमें ये भी था कि एटमोस्ट 3 था तो अगर हम 4 बच्चों वाला निकाल लेते कि 4 के 4 बॉयज हो ठीक है अगर हम इसकी सबकी बजाय केवल 4 बॉयज का निकाल लेते तो 4 बॉयज के निकालने के बाद बाकी जो बच जाता वो तो इनमें से कोई एक होता ही होता ना बोलो yes, जल्दी तो अगर एटमोस्ट 3 था तो या तो हम इस सब को काउंट कर ले चारों को या इसको निकाल के 1 में से माइनस कर दो माइनस कर दो सीधा ही जब हम 4 बॉयज लेंगे तो वो 4 बॉयज प्लस 0 गर्ल्स का वो क्या होगा कॉम्बिनेशन 7c4 केवल हां 7c4 ठीक है ठीक है तो इस तरह से तुम्हें आइडेंटिफाई कर करके काउंट करना है ठीक है तो अभी तुम लोग एक एक्सरसाइज करो कल शाम में या फिर परसों सुबह परसों शाम में हम इसका वो रखेंगे डाउट क्लास पीएनसी के साथ ठीक है और ये वाली शीट ग्रुप पे शेयर करवा दीजिए अरे वो मॉडर्न मैथ वाले में है ना हाँ मिल गई कर दो परसों मैथ में कौन सा शीट सर फर्स्ट वाला लेवल 1 लाइक जब आप मॉडर्न मैथ्स का सेक्शन खोलते हो तो उस पे मॉडर्न मैथ्स लेवल 1 दिखेगा टॉप में सेकंड नंबर पे एक्सरसाइज ऑन प्रॉपर्टीज के बगल में ओके 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 सर पीएनसी के लिए भी कोई शीट है उसी में वो लेवल 1 में पीएनसी ऊपर है नीचे हाँ, सर है प्रो हां है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर वाला मॉडर्न मैथ्स में शीट ही भेज देते हां भेज दो ग्रुप में ही भेज दो सर ये भी भेज देना प्लीज हां मैं ग्रुप में भेज दे रही हूं